नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो 16 मार्च का दिन आपका कैसा रहेगा ये जानेंगे और शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। ईश्वर के नाम स्मरण से दिन की शुरुआत होगा। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगे। गृहस्थ जीवन में आनंदमय वातावरण रहेगा। आपका हर एक कार्य सरलता से पूरा होगा। मित्रों सगे संबंधियों की तरफ से भेंट मिलेंगे। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। आपको किसी की जमानत लेने और पैसे की लेन देन करने से बचना होगा। अनावश्यक खर्च की अधिकता रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतरने का अवसर आएगा। किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी या व्यवसाय अनुकूल परिस्थितियां रहेगी और आय में वृद्धि होगा। बुजुर्ग वर्ग और मित्रों की तरफ से आपको कुछ लाभ हो सकता है। नए मित्र बनेंगे जिसकी मित्रता भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। मांगलिक अवसरों पर जाना हो सकता है। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपको घर परिवार और संतानों के मामले में आनंद और संतोष की भावना का अनुभव होगा। आप सगे संबंधियों और मित्रों से घिरे रहेंगे। व्यापार धंधे के संबंध में प्रवास होगा और उसमें लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे 16 मार्च का दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायी रहेगा। वे नए आयोजनों को हाथ में ले सकेंगे। इससे अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे। विदेश में रहने वाले मित्रों या स्वजनों का समाचार आपको भाव विभोर करेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपको बेकाबू क्रोध पर लगाम रखना होगा, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। बदनामी और निषेधात्मक विचारों से दूर रहना हितकर रहेगा। आध्यात्मिक खर्च से आर्थिक तंगी अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्य और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव या विवाद के प्रसंग बनेंगे, जिसके कारण मन खिन्न रहेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि की और जानेंगे 16 मार्च का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मौज शौक के साधक और उत्तम आभूषण और वाहन की खरीदारी करेंगे। मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में समय व्यतीत होगा। इसके साथ ही विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ रोमांचक मुलाकात से सुख अनुभव करेंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। उदासीन वृत्ति और संदेह के बादल आपके अपने मन पर घिरे होने से मानसिक राहत नहीं अनुभव करेंगे। फिर भी घर में शांति का वातावरण होगा। दैनिक कार्यों में थोड़ा अवरोध आएगा। वाहन दुर्घटना से संभल कर रहे। कार्यभार में थकाव अनुभव होगा। अधिक परिश्रम करने के बाद अधिकारियों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। और अब बात करते हैं धनु राशि की और जानेंगे 16 मार्च का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। संतानों के स्वास्थ्य को लेकर आप अधिक चिंतित रहेंगे। पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में कठिनाइयां आएगी। आकस्मिक धन खर्च आ सकता है। शेयर स्टेट से दूर रहे। प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। धार्मिक कार्यों में भागीदारी कर सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं धनु के बाद मकर राशि की। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और आर्थिक लाभ के योग रहेंगे। कार्यभार की अधिकता भी रहेगी। आप आध्यात्मिक भावनाशील बनेंगे और उनके कारण मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। माताजी के साथ संबंध बिगड़ेंगे और साथ ही माताजी के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता होगी। यात्रा के लिए वर्तमान समय अनुकूल नहीं है। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे 16 मार्च का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कार्य सफलता आर्थिक लाभ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। भाई बंधुओं का व्यवहार अधिक सहयोगपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर सकेंगे। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। उलझे हुए पारिवारिक वातावरण के कारण आप परेशानी अनुभव करेंगे। निरर्थक धन खर्च होगा। विलंब से कार्य पूरा होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेना हितकर नहीं है। पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमी टालने का प्रयास करना पड़ेगा। दूर बसने वाले मित्र या स्नेही का सामना करना पड़ेगा। दूर बसने वाले मित्र या स्नेही के समाचार या संदेश व्यवहार आपको लाभदायक साबित होंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।